एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्वेस गुड लाइफ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड गाइस, आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो वीडियो में इन तक आप बने रहिए। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ढेर सारी सिल्क साड़ियों की कलेक्शन। तो आप लोग से बहुत स्पेशल होने वाला है और मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ अपनी सिल्क साड़ियों की कलेक्शन पार्ट टू वीडियो, जो कि काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि दी आप अपनी और भी सिल्क साड़ियों की कलेक्शन हम लोग के साथ शेयर कीजिए। सो मैं आप लोग के लिए लेके आ चुकी हूँ सिल्क साड़ी की कलेक्शन पार्ट टू वीडियो, जो कि मैं बारी बारी से आप लोग को दिखाने वाली हूँ। और इसमें बहुत सारी सिल्क साड़ियों की कलेक्शन है, ऐसी कोई बात नहीं है सबके पास होगा, एक मेरे ही पास नहीं है। जिसकी भी नई नई शादी हुई होगी उसके पास काफ़ी सारी सिल्क साड़ियाँ या फिर और भी साड़ियों की बहुत सारी कलेक्शन होगी, तो सबको मैं एक साथ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो बारी बारी से मैं पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके ऐसे वीडियो बनाऊँगी। तो आज मैंने आप लोगों के लिए जो सिल्क साड़ियों की कलेक्शन लेके आई हूँ उसमें कुछ मेरी हेवी सिल्क साड़ियाँ हैं जो कि थोड़ी सी कॉस्टली भी है, बट मैं उसका प्राइस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये सब सही नहीं लगता है। और जो भी सिल्क साड़ियाँ पहनते हैं उनको तो मालूम ही होगा। ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। और प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूरी बताना आप लोग के लिए मैं किस टाइप की वीडियो लेके आऊँ, तो मैं अपनी और भी नेक्स्ट सिल्क की साड़ियों की कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर चलिए अभी दिखाना शुरू करते हैं। फर्स्ट सिल्क की साड़ी आप देख सकते हो, तो पूरी साड़ी बस ऐसे ही है, इसमें ये चौड़ी सी बॉर्डर बनी हुई है और इसका पल्लू जो है वो काफ़ी प्यारा बना है। इसका पल्लू जो है ये पूरे बनारसी में है और इस पर ये बनारसी का बॉर्डर दिया, और इस पर जो वर्क दिया हुआ है वो पूरे साड़ी में इस टाइप का वर्क दिया हुआ है, आप देख सकते हो नज़दीक से, तो ऐसे करके दिखा देती हूँ। और इसका कलर भी काफ़ी प्यारा है। तो ये साड़ी मेरे ससुराल के तरफ से था शादी के टाइम, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड साड़ी पे। तो ये रही हमारी सेकंड साड़ी जो कि डीप फिरोजी कलर में है, एंड इसके ऊपर जो वर्क है वो ऑल ओवर सिल्वर वर्क में है ये साड़ी, और इसका ब्लाउज भी सेम कलर में है। तो ये साड़ी मुझे मेरे फर्स्ट एनिवर्सरी पे मेरी सासू माँ ने गिफ्ट किया था, और पर्सनली कलर वाइज ये साड़ी मुझे बहुत ही पसंद है। ये रही हमारी, तो आप देख सकते हो ये भी साड़ी फिरोजी कलर में है, बट ये दो कलर में है, डीप फिरोजी और डीप पिंक, जिसका कलर कम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, इससे इसका लुक और भी निखर के आता है। एंड इस साड़ी में इस तरह से वर्क दिया हुआ है, छोटा छोटा डॉट दिया हुआ है जो कि सिल्वर वर्क में है, और पूरी साड़ी में ये नीचे में बॉर्डर बनी हुई है चौड़ी सी, और इसका पल्लू ये रहा, तो पल्लू पे भी पूरे पल्लू पे वर्क है, और ये साड़ी दो कलर में है और भी अच्छा आ रहा है। तो ये रही हमारी थर्ड साड़ी, ये थर्ड साड़ी जो कि पीच कलर में है, और इसका कलर मुझे बहुत ही पसंद है। तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा नज़दीक ला के दिखा देती हूँ, इस पर पूरे साड़ी पे इस तरह से वर्क बनी हुई है और नीचे में चौड़ा सा बॉर्डर है, और बॉर्डर के ऊपर जो ग्रीन कलर की फ्लावर बनी हुई है उससे इस साड़ी का लुक और भी अच्छा आ रहा है। तो ये साड़ी जो है, ये साड़ी मुझे मिला था मेरे ससुराल के तरफ से शादी के टाइम ही, मैं पहनूंगी तो वो पिक वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूरी शेयर करूंगी। तो ये रही हमारी फिफ्थ साड़ी जो कि प्योर सिल्क में ही है, और इस पूरे साड़ी के ऊपर वर्क बनी हुई है, तो ये थ्रेड का वर्क है, और इस साड़ी के ऊपर जरी का भी वर्क है यहाँ, और ये जो छोटी वाली स्टोन होती है, जो बिंदी साइज की स्टोन होती है, छोटी वाली बिंदी साइज की, वो वाली स्टोन की वर्क है इस पर, तो पूरे साड़ी पर ऐसे ही है। और ये साड़ी बिल्कुल ओनियन कलर में है, तो ये इस साड़ी का भी कलर मुझे बहुत पसंद है। ये साड़ी मुझे मिला था, मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट मिला था, तो
इस साड़ी को मैंने अपने सेकेंड बर्थडे में, जो कि मेरे ससुराल में सेलिब्रेट हुई थी, उसमें ये साड़ी मैंने पहना हुआ है। और मैंने अपने सेकेंड बर्थडे का वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो ये हमारी फिफ्थ साड़ी, जो कि बहुत ही प्यारी है, प्यारा है। और ये रही हमारी सबसे लास्ट साड़ी, और ये रही हमारी सबसे लास्ट एंड सबसे ब्यूटीफुल साड़ी। तो ये साड़ी ग्रीन कलर में है, एंड इसके ऊपर जो पिंक कलर की वर्क है वो इस साड़ी की सुंदरता को और भी बढ़ा रहा है। खासकर ये साड़ी वेडिंग सीजन के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है, एंड इस साड़ी के साथ जाता है पिंक ब्लाउज, और इसका पल्ला इस टाइप से है, पल्ले पे भी, पूरे पल्ले पे भी वर्क है। तो ये साड़ी मैंने सासू माँ के लिए लिया था उनके एनिवर्सरी पे। सो इस साड़ी में मैं अपनी कोई पिक आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ये साड़ी मैंने माँ के लिए लिया था, और आप देख सकती हो ये कितनी सुंदर साड़ी है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर ही बताना कमेंट करके कि ये साड़ी आप लोगों को कैसी लगी। आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर ही बताना ये सब सिल्क साड़ियों की कलेक्शन आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स एंड वीडियो के साथ आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।